हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट WPW सिंड्रोम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं. तो उन्होंने मेरे को कुछ टॉपिक्स जो हैं शेयर किए हैं और रिक्वेस्ट करी है कि इन टॉपिक्स पर जो है कुछ डिस्कशन हो, इन टॉपिक्स पे कुछ मैं नॉलेज शेयर करूं. तो उनमें से एक टॉपिक ये है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में मैं इररेगुलर हार्ट बीट्स, जिसको हम एरिदमिया भी बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है. तो आज जो है हम वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमें जानना है कि इसकी और क्या क्या नाम है, इनको हम और किस किस नाम से पुकार सकते हैं. तो जैसा कि एक अभी मैंने बोला WPW सिंड्रोम, दूसरा है वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन विद एरिदमिया. एरिदमिया टर्म मैंने अभी यूज़ किया. एरिदमिया मीन्स इररेगुलर हार्ट बीट, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. और थर्ड है ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर एसेसरी पाथवे सिंड्रोम. तो WPW सिंड्रोम को जो है हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एसेसरी पाथवे सिंड्रोम भी कहते हैं. हम इसको इस टर्म से क्यों बोलते हैं, ये अभी आगे हम जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी तो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है इसका जनरल अगर इंट्रोडक्शन हम देखें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वॉल्फ पार्किंसन और वाइट, ये तीनों जो हैं ह्यूमन बींग्स थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था. तो इनके नाम के बेसिस पे जो है इस सिंड्रोम को वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं, क्लियर. तो इन लोगों ने क्या डिस्क्राइब किया था, इन लोगों ने कुछ पेशेंट्स की सीरीज़ को देखा था, यंग पेशेंट्स की सीरीज़ को, कि जो लोग सफ़र कर रहे थे टैकीकार्डिया, जिनको बार बार टैकीकार्डिया के अटैक्स पड़ रहे थे, और साथ साथ में जब उनकी ECG की गई थी तो ECG में जो है कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मल फाइंडिंग्स डिटेक्ट हुई थी. तो इन तीनों के नाम के बेस पर इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है. तो इस कंडीशन में होता क्या है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे फॉर्म्ड इन द हार्ट. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे का फॉर्मेशन हो रहा है हार्ट में, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फास्ट हार्ट रेट प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. यानी कि चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में जो टैकीकार्डिया का मोस्ट कॉमन कॉज है वो उनमें से एक है WPW सिंड्रोम, क्लियर. अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अ कंजेनाइटल कंडीशन. सबसे पहले एक तो ये कंजेनाइटल कंडीशन है इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल कंडक्टिव कार्डियक टिश्यूज़. जो नॉर्मली कार्डियक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका एबनॉर्मल जो है कंडक्टिव कार्डियक टिश्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, जो आपको प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे, ठीक है. और एंड वेंट्रिकल्स दैट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर अ री एंट्रिंग टैकीकार्डियल सर्किट इन एसोसिएशन विद सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियम, ठीक है. तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है. तो वेंट्रिकल्स के ऊपर वाला पोर्शन डेफिनेटली एट्रिया होता है, और टैकीकार्डिया सभी को पता है कि इंक्रीज हार्ट बीट, तो फास्ट हार्ट रेट ओरिजिनेटिंग अबव द वेंट्रिकल्स. तो क्लियर हो गया, एट्रियम से जो फास्ट रेट ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियम. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे फॉर्म हो रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अलोंग विद सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियम, क्लियर. तो ये इसकी डेफिनेशन है. तो हमें WPW सिंड्रोम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे दिखाया गया है. ये देख सकते हो जो येलो कलर का है वो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है. तो इसमें SA नोड, देन AV नोड, देन बंडल ऑफ हिस, उसके बाद दो में ये बाइफर्केट हो रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच देन राइट बंडल ब्रांच. ये आगे चल के जो है क्या पार्किंसन फाइबर्स में
डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ही यहाँ से जो है आपका वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ये है नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। लेकिन WPW सिंड्रोम की कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसमें नॉर्मल कंडक्शन पाथवे तो है ही है, लेकिन साथ में जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे जो है इन्वॉल्व हो रहा है। ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है, ठीक है, इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है। लेकिन WPW सिंड्रोम की अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि नॉर्मल तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ में मैंने ये बोला था कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो है एक्स्ट्रा पाथवे फॉर्म हो रहा है या एक्स्ट्रा एसेसरी पाथवे फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं WPW सिंड्रोम। तो ये देखो, इस पिक में देखो, यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा पाथवे फॉर्म हो रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इम्पल्स है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, एक तो एट्रिया की तरफ इधर और दूसरा नीचे वेंट्रिकल इधर की तरफ को ये मूव करता है। तो जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होता है इसके कंपैरेटिवली इस पाथवे में जो है इम्पल्स जल्दी और फास्टली फास्टली जनरेट होती हैं, तो इसकी वजह से जो है टैकीकार्डिया हो रहा है। तो एट्रियम में फास्ट हार्ट बीट ओरिजिनेट हो रही है, तो इसलिए इसको सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। क्लियर? तो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे इसमें शो किया है कि सबसे पहले ऐसे नोड के बाद एट्रियल सिंकाइशियम, उसके बाद जंक्शन फाइबर्स, एट्रो वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स, वेंट्रिकुलर सिंकाइशियम, यही जो है हम यहाँ इस पिक में देख चुके हैं। तो दोनों को जो है करिस्पॉन्ड करो, दोनों को सिमिलरली साइमल्टेनियसली स्टडी करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को जो है नॉर्मल कंडक्शन पाथवे नहीं पता है उनको पहले जो है इस चीज़ को समझ लेना है, तब वो WPW सिंड्रोम को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है WPW सिंड्रोम में कि अलॉन्ग विद नॉर्मल कंडक्शन पाथवे एन एक्स्ट्रा पाथवे कॉल्ड एन एसेसरी पाथवे ये इसमें जनरेट हो रहा है। हालांकि ये नॉर्मल हार्ट मसल्स होती हैं, स्पेशलाइज इलेक्ट्रिकल टिश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं इम्पल्सिस को जो है नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से जल्दी कंडक्ट करते हैं और इम्पल्स को दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं, जो मैंने पहले डायग्राम में आपको डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से दोनों डायरेक्शन में जो है इम्पल्स जनरेट हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट है द इम्पल्सिस ट्रेवल थ्रू द एक्स्ट्रा पाथवे, यानी कि जो एक्स्ट्रा पाथवे से ट्रेवल हो रहे हैं वो आपका एक तरह से शॉर्टकट पाथवे है, एज वेल एज नॉर्मल एवी हिस पुरकिंजे सिस्टम, यानी कि जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है उसके साथ में जो है एक्स्ट्रा पाथवे से जो है इम्पल्स जनरेट हो रही है। तो जो इम्पल्स जनरेट होती है और हार्ट के सराउंडिंग में जो है क्विकली क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है इन अ सर्कुलर पैटर्न, तो ये क्या कॉज करता है हार्ट को जो है अनयूजुअली बीट करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये अनयूजुअली और फास्ट फॉर्म में जो है बीट करने लगता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड री एंट्री टैकीकार्डिया और सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसके बारे में पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये अब इसको पढ़ के अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि WPW सिंड्रोम के कॉजेज क्या क्या हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इसकी अननोन एटियोलॉजी है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने ये देखा है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ पर्सन्स में जो इससे सफ़र कर रहे हैं तो उनके जीन में जो है कुछ ना कुछ म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। जो जीन है वो है आपका PRKAG2। PRKAG2 का फुल फॉर्म है प्रोटीन काइनेज AMP एक्टिवेटेड नॉन कैटालिटिक सब यूनिट गामा 2। तो इस जीन में जो है कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है। तो ये बताया था कि ये जो है कंजेनाइटल हार्ट, ये कंजेनाइटली प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है वो है, मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है एप्सिन एनोमली। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो नॉर्मल प्रेजेंट होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो नॉर्मली जहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पर
ना हो करके रॉन्ग पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है, और दूसरा इसकी जो लीफ्स लीफलेट्स होते हैं या फ्लैप्स जो होते हैं वो इनकरेक्ट शेप के होते हैं। तो डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम जो है इस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड देखा गया है। क्लियर? तो अगर हम डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में, क्योंकि सिंड्रोम बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, तो इसमें जो है हार्ट पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, जो सडन पाउंडिंग फ्लटरिंग होगा, रेसिंग हाँ चेस्ट में ऐसा लगता है कुछ भाग सा रहा है, रेसिंग फीलिंग इन चेस्ट, डिजीनेस फीलिंग, लाइट हेडेड और फेंटनेस फीलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया, एंगजाइटी, रेयरली कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ। सम पीपल हैव डब्ल्यू पी डब्ल्यू विदाउट एनी सिम्टम्स एट ऑल। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जिनमें जो है डब्ल्यू पी डब्ल्यू पैटर्न है, जिनमें सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उनको सिंड्रोम नहीं बोल सकते, डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम हम नहीं बोल सकते। तो जिनमें ये कंडीशन प्रेजेंट है, यानी कि जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे प्रेजेंट है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्लिनिकली एब्सेंट हैं, क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पी डब्ल्यू पैटर्न। क्योंकि हम सिंड्रोम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंड्रोम जो है क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होता है। यहाँ पर जब कुछ साइन और सिम्टम्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो हम इसको सिंड्रोम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पर हम डब्ल्यू पी डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो हमने जो है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करी थी। अब हमें जब इसको डायग्नोस करना हो, अगर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली हमें जो है हार्ट रेट जो होगी वो मोर देन 100 पर मिनट देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मोर देन उस वक्त 100 बीट पर मिनट हमें देखने को मिले, लेकिन ये यूजुअली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि इसमें बीपी जो है वो आपका नॉर्मल भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना है। इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली जो करवाते हैं वो है ईसीजी, और दूसरा है एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग सच होल्डर मॉनिटर, यानी कि ईसीजी जो पेशेंट आता है, एक तो हम सडन रैंडमली जो वहाँ पर ईसीजी करते हैं वो चीज़ हो गया, एक हो गया हमें मॉनिटरिंग करना है 24 आवर्स के लिए जो है हार्ट के फंक्शंस को जो है डिनोट करना है, उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होल्डर मॉनिटर को जो है अटैच कर देते हैं, तो इसके थ्रू ईसीजी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, आगे जो है पिक में मैं दिखाऊंगी कि होल्डर मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी और EPS। तो ये यूजुअली इसमें क्या किया जाता है कि कैथेटर को जो है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के थ्रू पास किया जाता है हार्ट की तरफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे। तो इससे जो है हमें जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे कहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसकी लोकेशन हमें इससे डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, किससे डिटेक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी। क्लियर? तो ये है होल्टर मॉनिटर। जब हमें 24 आवर्स के लिए ECG को मॉनिटर करना है तो इसके लिए हम ये होल्टर लगा लेते हैं, होल्टर मॉनिटर। क्लियर, ये तो हो गया ये चीज़। अब जब हम ECG करवाते हैं तो ECG में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, क्योंकि हमें इसमें जो है क्या मिल रहा है, टैकीकार्डिया मिल रहा है, और हमने जैसा कि पहले फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में पढ़ा था इसके अदर नेम्स में, तो उसमें हमने एक नेम क्या पढ़ा था, एक तो हमने डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एसेसरी पाथवे सिंड्रोम, थर्ड हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन विद एरिथमिया। तो इसमें क्या होता है कि प्री पहले ही जो है इम्पल्स जनरेट हो जा रही है, नॉर्मल से पहले ही यहाँ पर जो है इम्पल्स जनरेट हो जा रही है, तो इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर PR इंटरवल, जब हम ECG फाइंडिंग्स देखते हैं उसको चेक करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है कि PR इंटरवल जो होता है वो शॉर्ट होता है, और जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो एबनॉर्मली इनलार्ज, लॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स जहाँ से इनिशिएट होती है, इनिशिएशन जहाँ से हो रहा है वहाँ पर का जो वेव होता है वो स्लर्ड होता है, तो जिसको हम डेल्टा वेव बोलते हैं। तो हमें इसमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो डेल्टा वो वेव, दूसरा PR इंटरवल शॉर्ट होगा, थर्ड प्रोलॉन्ग्ड QRS कॉम्प्लेक्स और वाइड अबनॉर्मली लॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स इसमें देखने को मिलते हैं। क्लियर?
ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद अगर इसके कॉम्प्लिकेशन देखा जाए, यूजुअली जो भी पर्सन्स जिन पर्सन्स में WPW सिंड्रोम है वो इस एक तरह से जो है सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर वो पेशेंट जो है अदर हार्ट कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, अदर हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अगर इसको ठीक नहीं किया गया, इसको अनट्रीट रहने दिया, तो उस कंडीशन में जो है फेंटिंग स्पेल्स ये कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, टैकीकार्डिया तो है ही, और सडनली जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा WPW सिंड्रोम क्या है। अब इसके बारे में शॉर्ट नोट यूजुअली एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो अब तो ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, थैंक यू। इसको अच्छे से देखो, इसके सिनोनिम याद रखो, कोई भी डिजीज़ जो है डिजीज़ के अदर नेम्स ज़रूर देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि घुमा के पूछा जाता है, कि अदर नेम से पूछा जाता है, तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर वहाँ से पेपर दे करके आए और उनको लगता है कि शिट हमें तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, लेकिन जब वो जा कर के चेक करते हैं तो देखते हैं कि ओहो ये तो इसका दूसरा नाम था, ये तो मुझे आता था। तो तब उस कंडीशन को सफ़र करने से बेटर है कि अभी से जो है ये हैबिट बना लें कि कोई भी डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अदर नेम्स को भी हमें पढ़ना है, कि इसको हम और क्या क्या, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या होते हैं। क्लियर, ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।